अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टैक्स पे काम करना सीखेंगे, किस तरह फोटोशॉप पे जो है वो टैक्स वगैरह को आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक टी का टूल दिया हुआ है, टैक्स टूल। इस पर आप जब क्लिक करके रखते हैं तो बेसिकली ये आपको ऑप्शंस इसमें दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके रखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट आपने टाइप करना है तो ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप करेगा, वर्टिकली टाइप करना है तो वर्टिकली टाइप करेगा। तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को पहले फिर मैं क्लिक कर रहा। और हमेशा हमने अभी तक सीखा कि कुछ नया नया कोई भी काम करने से पहले हम न्यू लेयर लेते हैं। तो टेक्स्ट टूल में आप लेयर लें या ना लें, लेयर ऑटो क्रिएट हो जाती है अगर आपने यहाँ से ये पहला वाला टेक्स्ट टूल लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ठीक है। मास्क वाले की बात नहीं हो रही, टाइप टूल की बात है। हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ लिखना है वो आप यहाँ टाइप करना, ठीक है। टाइप करने के बाद अब आप जब इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये मूव अभी नहीं होगा। इसको मूव कराने के लिए आपको यहाँ से मूव टूल लेना होगा और फिर आप इसको मूव करवा सकते हैं कहीं पर, ठीक है। अगर आपने इसको ब्रेक करना लाइन को तो एंटर कर दें वर्ड की तरह सिंपल, और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब नई चीज नहीं है, जैसे आप वर्ड वगैरह या दूसरे सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको ये टेक्स्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज दिखाता है, वरना आप विंडो में चले जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन कर लेंगे तो ये यहाँ पे भी जो है वो आपको टेक्स्ट के ऑप्शन शो करवा देता है कि अगर आप करते हैं तो या ठीक है, ये आपको दे रहे हैं करेक्टर के नाम से, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें एक ही बात है। यहाँ पे सारी चीजें अपन विंडो में है, यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा ऊपर से। तो राइटिंग स्टाइल आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें इसको, और जो भी राइटिंग स्टाइल आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे जो है वो ये वाला स्टाइल चाहिए, अगर तो ये स्टाइल अप्लाई होता है। सिलेक्ट करना जरूरी होता है, उसके बाद आप कोई भी स्टाइल वगैरह टेक्स्ट का वो यूज कर सकते हैं। मैं सिंपल से यूज करना चाह रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपने बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड का देखें ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। मीन्स इस वाले फॉन्ट की प्रॉपर्टी नहीं है कि बोल्ड हो, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड है। इसमें एक एक्स्ट्रा बोल्ड का ऑप्शन ये होता है, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। या अगर मैं कोई दूसरा फोन लगाता हूँ तो इसमें देखिए बोल्ड का ऑप्शन ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आपको बोल्ड का ऑप्शन वो नहीं दे रहा है, तो ये वाला यूज किया रहा है, ठीक है। इसमें भी देखें आपको बोल्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं फॉन्ट साइज कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद ये राइटिंग का साइज समझ में आ गया, ये आपको लाइन स्पेसिंग वगैरह का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ करता हूँ ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी राइटिंग स्टाइल मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। और अब ये जो आपको दे रहा है ना, किसी भी लाइन स्पेसिंग दे रहा है, अगर आप देखें तो इन दोनों लाइंस के दरमियान आपको स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जितना भी कर, ठीक है। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं, और इटैलिक करना चाह रहे हैं इटैलिक कर रहे हैं, कैपिटल करना है तो कैपिटल हो जाएगा डायरेक्ट, स्मॉल कैप करना, ये वो वर्ड वाले ऑप्शन है बेसिकली सारे, तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ये जो है इसकी स्केलिंग है, यानी कि अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 50, तो ये क्या करेगा, इसको इसने कंप्रेस कर दिया, यानी कि हॉरिजेंटली कंप्रेस कर दिया। और यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये इसको वर्टिकली कंप्रेस कर देगा, यानी कि 50 करता हूँ तो इस तरह कंप्रेस कर देगा। तो नॉर्मल इसको 100 100 dpm रखते हैं, और ये जो है ये आपको जो है वो कर्लिंग खिला दी, यानी कि करेक्टर के दरमियान अगर आपने स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप वो यहाँ से बढ़ा सकते, ठीक है। तो कलर अगर आपने चेंज करना है तो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और कलर का ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल इसका मुझे और छोटा करना है तो और छोटा करना है। ये देखिए सेंटर आ रहा है, तो इसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से पैराग्राफ के टैब पे आ जाए, और लेफ्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए या सेंटर पे चाहिए तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, टेक्स्ट पे अगर आपने इफेक्ट्स वगैरह देने हैं तो आप जो है वो
यहाँ से लेयर पैनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो आपको ये इफेक्ट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा इसका हेडिंग का साइज इंक्रीज करता हूँ, ठीक। अच्छा अब ये देखें इफेक्ट्स अभी ऑन नहीं हो रहा, जब मैं यहाँ से मूव टूल लूंगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है इसमें ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, तो अगर आप ग्रेडियंट यहाँ से करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट पे तो ये अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ इफेक्ट्स में और यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर का सिलेक्ट कर दें। अब ये देखिए इसने ग्रेडियंट कलर का इफेक्ट यहाँ शो करवा दिया, जो भी कलर्स आपने देखने जो हमने पहले लोड किए हुए थे वो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टू कलर्स का चाहिए तो फिर आप यहाँ क्लिक कर लें और यहाँ पे अपनी मर्जी के कलर्स जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ ग्रीन और इसको मैं कर देता हूँ डार्क ग्रीन, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइट करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। कलर अगर आपने ऐड करना है तो बीच में आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस कलर को आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, या ब्लैक कलर का टोन देना चाहें तो ब्लैक दे सकते हैं। खत्म करना है तो इसको ड्रैग करके आप बाहर ले जाकर छोड़ दें, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट आ गया, यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, एंगल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, 90 का एंगल चाहिए, 0 का चाहिए, वो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में कलर रिवर्स हो जाता है, यानी कि लाइट वाला डार्क हो जाएगा और डार्क वाला लाइट हो जाएगा। स्केल क्या काम करता है, ये आपकी कलर की परसेंटेज को बढ़ाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से स्केल बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो जो डार्क कलर था उसका शेड कम हो गया, और अगर मेरे लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो अभी देखें ये आपको अभी अगर मैंने 0 कर दिया तो ये आपको एक अलग से दिखा रहा है टू कलर्स। तो ये बेसिकली स्किल क्या करता है, वो कलर आपका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको दोनों को मर्ज कर देता है, अपडेट कर देंगे आपके नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये इफेक्ट आपने एक लगा दिया, अब मुझे जो है इस पर कोई और इफेक्ट देना है, मीन्स मैं इसको इम्पोज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से बेवल एंड इम्पोज पर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट को आपको इम्पोज का इफेक्ट ये दिखा देगा। डेप्थ वगैरह अगर आपने कम करनी है बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, साइज वगैरह आपने इसका चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, एंगल वगैरह सेट करना है तो यहाँ से आप एंगल वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसके स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, स्मूथ चाहिए आपको, ट्रायंगल्स हेडल्स चाहिए, इसमें एजेस देखें थोड़े से इसने विजिबल कर दिए, ठीक है, और आउटर बेवल चाहिए तो आउटसाइड पर अप्लाई हो जाएगा, इम्पोज चाहिए तो इम्पोज दिखा देगा, फिलो इम्पोज। नॉर्मली जो है ये इनर बेवल पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इसका, तो मैं एंगल चेंज कर देता हूँ इसका और मैं इसको मजीद काम इसमें करता हूँ। अगर ये कलर आप मजीद उसका जो है वो ब्लैक कलर को लाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कलर लाइट कर सकते हैं, व्हाइट कलर का शेड बनाना है व्हाइट कलर यहाँ से बन जा रहा है, पूरी सेटिंग यहाँ दीजिए तो ये होता है। अगर आपको उसकी आउटलाइन चाहिए टेक्स्ट की तो स्कोप पे चले जाएँ यहाँ से, और जिस कलर की भी आपने आउटलाइन बनानी है उस कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ से लाइन की स्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसी में एक और ऑप्शन दिया गया कि आपको लाइन इनसाइड चाहिए आउटसाइड चाहिए, इनसाइड करेंगे तो एक टेक्स्ट फिल हो जाएगा क्योंकि अंदर की तरफ इसको स्कोप बढ़ जाता है, नॉर्मली इसको हम आउटसाइड पे ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने कलर चेंज करना है तो ये स्कोप में देखें ग्रेडियंट कलर अप्लाई करेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टी कलर से ले देता हूँ तो ये आउटलाइन जो है बेसिकली ये मल्टी कलर की आ रही है, ठीक है। अगर आपने इसको ग्लो का इफेक्ट देना है तो मैं इसको भी फिलहाल ओके करता हूँ और बैकग्राउंड पे मैं कलर ब्लैक फिल कर रहा हूँ ताकि आपको ग्लो का इफेक्ट नजर आए कि ग्लो क्या काम करता है बेसिकली। अब मैं यहाँ से आया वापस और मैंने यहाँ से ग्लो पे क्लिक कर दिया आउटर ग्लो, ठीक है। अब आउटर ग्लो क्या करेगा, इसके एजेस पे जो है ये ग्लो का इफेक्ट देगा बेसिकली, तो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, यहाँ से 100 करता हूँ, कलर मैं येलो टाइप का सिलेक्ट करता हूँ, लाइटिंग का इफेक्ट मुझे देना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो साइज मैं इसका यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए शेड आपका इंक्रीज हो रहा है और ब्लर भी हो रहा है, और स्प्रेड पे आप बढ़ाएंगे तो ये फिर यहाँ से इसका कलर भी स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। और रेंज को आपने कम ज्यादा करना है तो ये आपके कलर की रेंज को कम ज्यादा कर देंगे, इसको हम जो है नॉर्मली 50 पे रखते हैं ताकि बैलेंस ये चलता रहे। स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से जो है वो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसमें भी अगर आपने आउटर ग्लो, इसमें भी अगर आपने ग्रेडियंट कलर देना है आउटर ग्लो में भी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको मल्टी कलर की जो है वो
आउटर ग्लो शो करेगा, लेकिन नॉर्मली ये सिंगल कलर में ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसको सिंगल कलर ही रखते हैं। रेड नहीं समझ में, येलो नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप चेंज कर लें इसको, रेड करना चाह रहे हैं रेड करके देख लें, व्हाइट करना चाह रहे हैं व्हाइट करके देख लें, व्हाइट में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है वो आप शेप्स वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह के इफेक्ट, और इससे आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।